हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। आप सबको पता है कि अब पटवारी की एग्ज़ाम होगी थोड़े दिनों बाद, तो पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी हम कैसे करें, क्यों ना हम लॉकडाउन के अंदर पूरी अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमारी तैयारी को बेस्ट कर लें। तो अब मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, क्या क्या उसका पैटर्न है, क्या क्या चेंज हुआ है उसका पैटर्न, कौन कौन से टॉपिक है, वो सब मैं आपको आज डिटेल से बताने वाली हूँ। और उसके बाद हम अच्छे से स्टार्ट करेंगे पटवारी की तैयारी। हम सब मिलकर मैं आपको बहुत अच्छे से पूरी डिटेल से तैयारी कराऊँगी, और एक भी आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैं कराऊँगी उसको आप अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी कराने वाली हूँ मैं। बस इतना है कि मैं जो कराऊँ उसको तो आप कम से कम बहुत अच्छे से करो। आप सबको पता है कि पटवारी के एग्ज़ाम का पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। पहले प्री और मेंस दो पार्ट में एग्ज़ाम होती थी, बट अब ओनली एक ही एग्ज़ाम कर दी उन्होंने, ओनली एक ही एग्ज़ाम होगी अब, ये भी है ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस का जो डिटेल है उसका एनालिसिस करने वाली हूँ मैं आपके सामने, कि मतलब कौन से भाग से, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नंबर के आने वाले हैं ठीक है। और अब की बार ये भी है कि अदर स्टेट के जो है, अदर स्टेट वाले भी इस एग्ज़ाम को मतलब देंगे और उन्होंने भी फॉर्म अप्लाई करा हुआ है ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले है कि आपका पेपर कितने आवर्स का होगा। 3 आवर्स का होगा, मतलब 3 घंटे का पेपर होगा आपका। अब देखते हैं हम सबसे पहले कि कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहला है कि जनरल साइंस के अंदर आ गया हिस्ट्री, पॉलिटिकल आ गया, ज्योग्राफी आ गया, जनरल नॉलेज आ गया एंड करंट अफेयर्स आ गया। इनके टोटल आपके पास 38 नंबर्स आएंगे। कितने आएंगे? 38 नंबर्स आएंगे, जो 76 नंबर का होगा टोटल ठीक है। 76 नंबर के होंगे क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट है कि जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, पॉलिटिकल हो गया, राजस्थान, मतलब राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर की बात कर रहे हैं हम। इसके टोटल 30 क्वेश्चन आएंगे और वो 60 नंबर के होंगे। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। हर क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का है, और इसके 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर का है ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी की बात कर रहे हैं हम, तो ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके जो जनरल हिंदी और इंग्लिश है उनके कितने क्वेश्चन आएंगे? टोटल 22 क्वेश्चन आएंगे और 44 नंबर के आएंगे। फिर नेक्स्ट है कि जो मेंटल एबिलिटी है, मेंटल एबिलिटी मतलब मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो वो कितने क्वेश्चन आएंगे टोटल? तो उसके टोटल 45 क्वेश्चन आएंगे, जो नंबर के आएंगे ठीक है, 45 क्वेश्चन आएंगे। फिर अब बात करते हैं हम बेसिक कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर का वेटेज ज़्यादा था, बट अब इसका थोड़ा कम कर दिया है शॉर्ट में। तो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन है? टोटल 15 क्वेश्चन है, जो 30 नंबर के हैं ठीक है। 15 क्वेश्चन है, 30 नंबर के। ऐसे टोटल आपका 300 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 300 नंबर का क्वेश्चन होगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3 ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हमें ये सब ध्यान में रखते हुए हमें प्रॉपर तरीके से अच्छे से तैयारी करनी है। अगर आज आप बैठे हुए हो तो आज से ही आपकी तैयारी स्टार्ट कर देना पटवारी की। और अब मेरे को एक ही वो है कि आप सब लोग अच्छे से क्रैक कर पाओगे एग्ज़ाम को। अब सिलेबस को हम डिटेल से देखते हैं। जैसे सबसे पहले है कि जनरल साइंस वाला टॉपिक, तो जनरल साइंस में विज्ञान सामान्य के जो आधारभूत तत्व है, दैनिक विज्ञान से संबंधित है वो है। मानव शरीर के बारे में बात करेंगे हम, आहार एवं पोषण से संबंधित है, और स्वास्थ्य की देखभाल यही है। क्योंकि पहले साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा था, बट अब थोड़ा कम कर दिया है। अब की बार सिलेबस चेंज हुआ है तो अब साइंस का वेटेज थोड़ा कम कर दिया है ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले से जो सामान्य विज्ञान है वो कम हुआ है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक घटनाएं, मतलब महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण जो घटनाएं उनके बारे में पूछा गया है ठीक है। तो ये जो लाइन है ये पूरी नई जुड़ी है, ये जो सिलेबस है इस सिलेबस के अंदर इसको नया डाला गया है कि प्राचीन भारत, मध्य व प्राचीन भारत का इतिहास वो अलग डाला गया है, और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं वो अलग डाला गया है। तो ये नया जुड़ा हुआ है, न्यू टॉपिक है सिलेबस के अंदर। फिर नेक्स्ट है भारतीय संविधान व राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली व संवैधानिक विकास ठीक है। तो इस संविधान से संबंधित है सारा टॉपिक।
तो ये भी थोड़ा कम हुआ है पहले से। हमें बस बेसिक बेसिक सारा पढ़ना है, संविधान का पूरा डिटेल में नहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले बहुत डीपली पढ़ने से क्वेश्चन आए थे, बट अब थोड़ा हमें ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना क्योंकि ये थोड़ा पहले से कम हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो संवैधानिक वाला भाग है ये थोड़ा कम हुआ है पहले से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, फिर है भारत की भौगोलिक विशेषता है। भारत की जो भौगोलिक विशेषता है वो पर्यावरण एवं पारिस्थितिक परिवर्तन एवं इनके प्रभाव, ये भी नया जुड़ा है आपका टॉपिक। भारत की भौगोलिक विशेषता, पर्यावरणीय पारिस्थितिक परिवर्तन व इनकी विशेषता है, तो ये भी क्या नया जुड़ा है ये टॉपिक भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है समसामयिकी राष्ट्रीय विशेषता है। समसामयिकी मतलब जो करंट अफेयर्स वगैरह है वो भी एक नया टॉपिक जुड़ गया, तो इसमें भारत के करंट अफेयर्स भी हमें पढ़नी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर व पॉलिटिकल, किसका, राजस्थान की बात कर रहे हैं हम। अब राजस्थान के कौन कौन से, जैसे राजस्थान की इतिहास व महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएँ, ठीक है एक टॉपिक तो ये हो गया। सेकंड है कि राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जैसे राज्यपाल हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, उच्च लोकसभा आयोग हो गया, जिला से संबंधित हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया, राज्य सूचना आयुक्त हो गया, ये सारे जो है इनसे संबंधित क्वेश्चन भी हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, सेकंड टॉपिक है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो मुद्दे हैं उनसे संबंधित भी हमें पूछा जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट है स्वतंत्रता आंदोलन व जो राजस्थान का एकीकरण है उससे संबंधित, व जनजागरण एवं राजस्थानी एकीकरण से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये हो गए स्वतंत्रता आंदोलन हो गए, जनजागरण एवं राजनीतिक एकीकरण हो गया। इसके बाद है लोक कलाएँ, चित्रकलाएँ, हस्तशिल्प वगैरह, ये सब हो गया कल्चर से रिलेटेड। फिर है मेले, त्यौहार, लोकगीत, लोक संगीत, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। फिर है राजनीतिक सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट जो राजस्थान के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी हमें बात करनी होगी। फिर है महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, जितने भी पर्यटन स्थल है राजस्थान के उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक है राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, प्रमुख जो मेन जो इम्पोर्टेंट व्यक्ति है उनके बारे में भी हमें पढ़ना होगा। तो ये जो आपका राजस्थान का सिलेबस है इसके 30 क्वेश्चन आएंगे आपके 60 नंबर के, तो आपको राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अच्छे से करना है। फिर इसके बाद बात कर रहे हैं हम जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें सामान्य हिंदी में क्या क्या है, जैसे दिए गए शब्दों की संधि मतलब संधि विच्छेद वाला संधि वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद उपसर्ग व प्रत्यय वाला टॉपिक हो गया। अब इसमें भी संयोग शब्द संरचना व शब्दों से उपसर्ग व प्रत्यय की पृथक करना वो वाले पूछा गया है कि कैसे अपन प्रत्यय को निकालेंगे, उनसे पृथक करेंगे। नेक्स्ट समास वाला टॉपिक हो गया, ठीक है, जिसमें सामासिक पद का विग्रह करना हमें आना चाहिए। इसके बाद है पर्यायवाची शब्द, ठीक है, पर्यायवाची शब्द हो गए। फिर अगला टॉपिक है कि शब्द युग्मों का अर्थभेद, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, जो भी अशुद्धियाँ वगैरह वाले टॉपिक आता है वो। फिर हो गए हमारे मुहावरे हो गए, पारिभाषिक शब्द जो होते हैं पारिभाषिक शब्द वो, उनके बारे में हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में बता रही हूँ सारा सिलेबस। फिर है इंग्लिश, तो जनरल इंग्लिश इसमें क्या नया जुड़ा है, पहले इंग्लिश नहीं था पटवारी में, तो ये नया जुड़ा है ये टॉपिक, है ना। तो इंग्लिश में क्या क्या है, जैसे कंप्रेशन ऑफ द अनसीन जो पैसेज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिर है करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर वगैरह होते हैं, करेक्ट यूजेस, तो इसके अंदर सारी ग्रामर आ गई, जैसे टेंस वगैरह सब आ गए इसमें, ठीक है, नॉर्मल सिंपल ग्रामर है। फिर है सिनोमिन्स और एंटोमिन्स, मतलब विलोम शब्द है और पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो सब आ गए। फिर फ्रेजर्स और ईडियम्स वगैरह आ गए, ठीक है। तो इसमें ये जो करेक्शन ऑफ द कॉमन एरर, करेक्ट यूजेस, इसके अंदर आप जैसे छोटे छोटे टॉपिक है इंग्लिश के, जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गया, तो और वर्ब हो गया, इनसे रिलेटेड एरर आएगी, मतलब जो छोटे छोटे टॉपिक है उनसे रिलेटेड। तो इससे आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से बहुत ईजी इंग्लिश आ रही है, हम इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एंड बेसिक न्यूमेरिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, मतलब रीजनिंग और मैथ के क्या क्या वो आएंगे वो। तो सबसे पहले जैसे रीजनिंग की, जैसे फर्स्ट टॉपिक है मेकिंग सीरियस एनालिसिस वाला, सेकेंड है फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन, फिर है अल्फाबेट टेस्ट वाले, फिर पैसेज एंड कॉन्सलेशन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएगा, सिटिक अरेंजमेंट हो गया, इनपुट आउटपुट हो गया, नंबर रैंकिंग हो गया,
ठीक है, मेकिंग जजमेंट वाला हो गया, लॉजिकल अरेंजमेंट हो गए सारे क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले एवरेज रेशियो हो गया, जैसे कि एरिया व वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इसमें, क्योंकि इसमें गणित वाला जो है वेटेज वो थोड़ा कम हुआ है, गणित से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कम आएंगे और रीजनिंग का वेटेज थोड़ा ज़्यादा किया है। ठीक है, अब ये और क्या क्या है, जैसे मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया आपके सामने, फिर है यूनिटरी मेथड। तो ये बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक दिए हैं आपके मैथ के, और ये इनका वेटेज थोड़ा कम है तो कम ही क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग का ज़्यादा है क्योंकि रीजनिंग के टॉपिक भी बढ़ा दिए गए हैं और इसका वेटेज ज़्यादा है, हमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करना है। तो रीजनिंग को तैयार करने के लिए है कि आप डेली कंटिन्यूस की प्रैक्टिस करिए, तो उससे ही आपकी रीजनिंग अच्छे से तैयार हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है बेसिक कंप्यूटर। अब बेसिक कंप्यूटर के पहले से क्या ये कम हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा वेटेज था कंप्यूटर का बट अब थोड़ा कम हुआ है, तो क्या क्या टॉपिक है, जैसे कैरेक्टराइजेस ऑफ द कंप्यूटर, मतलब ठीक है। अगला टॉपिक है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग जैसे रैम रोम फाइल सिस्टम इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, ये सब हो गया, और इसके 15 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स से। ठीक है, फिर है जैसे कि ऑपरेशन सिस्टम हो गए, उसके अंदर क्या क्या हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, वर्ड एक्सेल स्प्रेडशीट पावर पॉइंट, ये सब हो गया। इसके बाद है इनपुट आउटपुट, मैंने बता ही दिया आपको, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चीज़ ये सब, तो सिंपल सिंपल टॉपिक है, इतना ज़्यादा नहीं है, तो ये आपको मैं बहुत अच्छे से करा दूँगी कंप्यूटर के, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सोचो 15 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। तो ये हमारा मैंने शॉर्ट में आपको सिलेबस बताया है, अब मैं इनको कल से डिटेल में आपको वन बाय वन टॉपिक अच्छे से कराऊंगी, और आप हो सके तो अपना एक सिलेबस नेट के थ्रू निकाल ले, अपने फ़ोन में रख ले और एक कॉपी में लिख ले एक एक टॉपिक, और कल से अपन डिटेल से उसको पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।